शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। दर्शकों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि क्या यह अब असलियत हो गई है कि ये जो राजनेता हैं, चाहे इधर वाले हों या उधर वाले, ये अलग पिच पे खेल रहे हैं। यानी इन ये अलग ही ढोल बजा रहे हैं, ये अलग ही राग अलाप रहे हैं, और जनता की जो जरूरतें हैं, जनता की जो डिमांड्स हैं, किसी भी वर्ग के हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, पुरुष हों, महिला हों, उनकी जरूरतें कुछ और हैं। जिससे बात करो उसको आंदोलन करना है, वो सत्ता में बैठा हो या विपक्ष में। जी हाँ, ये रियलिटी है। और दोनों प्रोटेस्ट एक सेकंड दिखा दीजिए आप, मी इन द मिडल इन बोथ द प्रोटेस्ट। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता पे काबिज है। आम आदमी पार्टी तीसरी बार दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में हो, तीन बार के मुख्यमंत्री, उनके विधायक दो दो तीन तीन बार जीते हुए, उनसे कुछ पूछ लीजिए आज ये क्यों नहीं हो रहा। जी सब दिल्ली की गलती है। दिल्ली मतलब दिल्ली की गद्दी तो आपके पास है, मुख्यमंत्री तो आप है नहीं जी, हमारा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री की गलती है, बीजेपी की गलती है। अरे भाई, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। काउंसलर आपके, विधायक आपके, मेयर आपका, लेकिन गलती है मतलब दिक्कत है सांसद से, दिक्कत है एलजी से, तो फिर बोल दीजिए ना कि आप कुछ नहीं कर सकते। बोल दीजिए आज, आइए जनता के सामने। आई एम सॉरी, आप तो आ नहीं सकते, जेल में है। दर्शकों, अब यह सोचने का समय आ गया है, क्या देश की राजधानी, भारत जैसे देश की राजधानी के मुख्यमंत्री जेल से दिल्ली की सरकार चला सकते हैं? इज ही केपेबल इनफ टू रन द गवर्नमेंट फ्रॉम प्रिजन? ये सीधा सवाल मैं आज पूछ रहा हूं। क्या ये सब जो हो रहा है दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली, लुटियंस दिल्ली से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पे बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चे मर जाते हैं और सब एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? एलजी साहब पहुंचे आज, एलजी साहब बोलते नहीं नहीं हम करेंगे। एलजी साहब, अगर आपको करना था तो आप कर सकते थे। जब दिल्ली में अभी G7 हुआ था तो मैंने देखा था आप सड़कों पे उतरे थे, एक एक चौराहे, एक एक सर्कल, लुटियंस दिल्ली का एक एक सर्कल, क्या अशोक रोड और क्या अकबर रोड, आपने तो 30 जनवरी मार्ग वाला भी नहीं छोड़ा था। क्या तुगलक रोड और क्या तुगलक लेन और क्या तुगलक क्रिसेंट, एक लॉन नहीं छोड़ा था आपने मुआयना करने से। तो जब चाहे तो सब कुछ हो सकता है। कैन आई हैव बोथ द प्रोटेस्ट? जहां चाह वहां राह, पुराने लोग ऐसे ही नहीं कह गए, जहां चाह होती है वहां राह आती है। आज एलजी साहब पहुंचे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या यह पहले नहीं हो सकता था? 3 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी किसी राजनेता को वहां बुलाने के लिए, किसी राजनेता को वहां बुलाने के लिए। एंड इट डजंट मैटर, इट रियली डजंट मैटर कि एलजी केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं, केंद्र सरकार बीजेपी की है, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। मैं पूछ रहा हूं बीजेपी से भी और आम आदमी पार्टी से भी, जब आप जाते हैं दिल्ली की जनता के सामने, दिल्ली की जनता ने बीजेपी को भी 7 सांसद दिए हैं, All 7 MPs, 7 सांसद, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या एक MLA, एक MP ये ऑन रिकॉर्ड बोल सकता है आज कि उसके पास कोई कंप्लेंट नहीं थी अपने क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की कोई कंप्लेंट नहीं थी अपने एरिया के? क्या ये जहां हुआ है न्यू राजेंद्र नगर, यहां के विधायक, यहां के काउंसलर, दिल पे हाथ रखने की तो बात नहीं करूंगा मैं, ये राजनेता है, हमाम में सब बराबर है, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं, क्या आम आदमी पार्टी के काउंसलर, क्या आम आदमी पार्टी के विधायक, क्या बीजेपी के सांसद ये ऑन रिकॉर्ड बोल सकते हैं
कि उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं थी? नहीं, क्योंकि कंप्लेंट थी। जो चला रहा है उसने भी कंप्लेंट की थी, जिसके बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं उसने भी कंप्लेंट की थी, जो वहां पे रहते हैं, जो देख रहे थे, उन्होंने भी कंप्लेंट की थी। और ये सिर्फ एक बिल्डिंग की बात नहीं हो रही, एक इंसिडेंट की बात नहीं हो रही, ये हालत सिर्फ एक दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर की नहीं है, ये हालत पूरे देश की है। जिसको देखो मेरी गलती नहीं, उंगली उठा देता है दूसरे के ऊपर, उसकी गलती है। अभी चारू प्रज्ञा जी आएंगी, बोलेंगी ऐश्वर्या आम आदमी पार्टी की सारी गलती है। बिल्कुल है, काउंसलर उनके हैं, विधायक उनके हैं, लेकिन सांसद आपके। जब आपके नेता गए थे तो आपके नेता ने कहा था क्या, मैं आऊंगा लेकिन बात मेरे से सिर्फ विदेश पॉलिसी की कोई करनी है तो कर लो, ये सड़क नाली के लिए आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं। इसी तरह से जब आम आदमी पार्टी के काउंसलर और विधायक जनता का यानी आपका वोट मांगने जाते हैं तो ये कहा था क्या, मैं सिर्फ वोट मांगने आया हूं, मैं सिर्फ एमएलए बन जाऊंगा, मैं सिर्फ काउंसलर बन जाऊंगा, कर मैं कुछ नहीं सकता, करने के लिए तो बीजेपी की मदद लेनी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल गांठ बांध के बैठ गई है कि जेल से सरकार नहीं चलती है साहब, दिख रहा है। आपके नेता पत्रकार वार्ता में पत्रकार वार्ता कर ले, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? ये तीन बच्चे वापस आएंगे यूपीएस पे? मैं कह रहा हूं ये पढ़ाई कर रहे थे नहीं कर रहे थे कुछ भी थे, नहीं मां बाप के लाडले थे, पढ़ने भेजा था मां बाप, पढ़ रहे थे। नॉर्मली बारिश होती है ना तो लोग खुश होते हैं चारू जी कि चलो यार चाय पकौड़ा बना लो, मौसम अच्छा हो गया। इतनी गर्मी थी अभी नॉर्थ इंडिया में, यहां बारिश आई मौत लेके आ गई। और ये राजनेता आपस में उंगली उठा रहे, तेरी गलती तेरी गलती। और ये हालत सिर्फ दिल्ली की नहीं है, आप जयपुर में जाइए देखिए कोटा और जयपुर में क्या हो रहा है, आप बिहार में जाइए जाइए देखिए पटना में क्या हो रहा है, आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कुछ खास क्षेत्र में जाइए जहां पे कोचिंग के लिए लोग पढ़ते हैं, वहां देखिए क्या हालत है। आप दिल्ली के ही मुनीरका में जाइए, आप दिल्ली के ही लक्ष्मी नगर में जाइए, लक्ष्मी नगर सीए कोचिंग कहां है मुझे बताया गया साहब, ऐसी जगह भगवान ना करे, भगवान ना करे, ये तो पानी है आग लग जाए, फायर ब्रिगेड ना पहुंचे, इतनी सकरी सकरी गलियां हैं। और ये काउंसलर मुझे कह रहे हैं इनके पास कंप्लेंट नहीं, ये विधायक मुझे कह रहे हैं कि इनको पता नहीं, ये सांसद कह रहे हैं कि इनको तो पता नहीं था, ये कह रहे हैं कि काउंसलर की जिम्मेदारी है, काउंसलर कह रहा है विधायक की जिम्मेदारी, विधायक कह रहा है सांसद की जिम्मेदारी है। जिस दिन इस जनता ने चारू जी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी समझ लेना चाहिए, इस जनता ने जब कर दिया ना तो ना आप और ना ये, फिर वो डिसाइड करेगी कौन राज करेगा दिल्ली। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और ये हर मुद्दे पे है, हर मुद्दे पे है। आप किसी से बात कीजिए उसकी गलती है, मेरे कुछ नहीं। जनता कहती है वोट मांगने तो यार यही आया था, मेरे घर के बाहर प्रॉब्लम है तो कहता है उसके पास जाओ, वो कभी मिलता नहीं, वो कहता है तुमने उसको काउंसलर जिताया था, काउंसलर के पास जाओ कहता है तुमने तो विधायक उसको बनाया था, ये तो विधायक से होगा। जनता सर खुजलाती रह जाती है, जनता बोलती है मैं करूं क्या। और आखिरकार जब ऐसे निर्मम हत्या, इट्स मैं बोल रहा हूं वो बच्चे पढ़ रहे थे, उनकी कोई गलती नहीं है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या इलीगली चल रहा था? चल रहा था तो सर्टिफिकेशन कैसे मिला, सर्टिफिकेशन कैसे किसके कहने पे मिला? क्या उसका कोई कट किसी राजनेता को गया? क्या उसका कोई कट किसी काउंसलर को गया? क्या उसका कोई कट एमएलए को गया, एमपी को गया? क्योंकि आपको बताऊं दर्शकों, इससे पहले चारू जी आए और बाकी सारा पैनल आए, आपको बस एक बात बता देता हूं, ये 3000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है चारू प्रज्ञा जी, कोचिंग इंडस्ट्री, सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं, 3000 करोड़, 3000 करोड़। बनाओ धीरज, लिखो नीचे 3000 करोड़, जनता को समझ आने दो कितने जीरो होते हैं 3000 करोड़ में। अगर इसका 10% भी इस एरिया के या जहां जहां कोचिंग चलता है इनके डेवलपमेंट पे लग जाए तो इस तरह की घटना ना होती, लेकिन किसी को चिंता नहीं है किसी को। और ये सिर्फ ये नहीं है कि बेसमेंट में चल रहा था, अरे साहब फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा था तो वहां पे बिजली की तारें जा रही हैं बालकनी से लगती हुई, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हाई टेंशन वायर जा रही है बालकनी से लगती हुई, किसी को परवाह नहीं।
बिजली वाले बोलेंगे जी हमने तो बना दिया, इन्होंने घर आके निकाल लिया। एमसीडी वाले बोलेंगे जी हमने तो कहा था कि तार गलत जा रहे हैं। असली बात यह है उन्होंने खंभा लगा दिया, वहां के लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं करा क्योंकि उनको बिजली मिल रही है, उन्होंने छज्जा निकाल लिया क्योंकि उन्होंने एमसीडी वालों को पैसा दे दिया, और दिल्ली पुलिस यहां से आई वहां से आई, अपना काम करा, दो बार सायरन बजाया और चली गई। दरवाजे के पीछे जिसने जितनी मदद कर दी, जिसने जितना खुशी कर दिया उसे चले गए। अभी मैं आपको बता रहा हूं पर्सनल एक व्यक्ति हमारे ही दफ्तर में काम करता है और यह एग्जाम्पल आप सबके लिए है। उसके घर के बाहर बिजली का खंभा था, वो अपने घर से निकला, दर्शकों माइंडेड, उसने सिर्फ यह बोला कि ये आपके बिजली के तार मेरी बालकनी के बहुत पास आ रहे हैं, और वो चला गया। थोड़ी देर बाद उसके घर से एक वृद्ध निकला और बोला भाई साहब इसे ठीक कर दो, तो वहां पे जो बिजली कर्मचारी आए उन्होंने हड़काया उसको और कहा मेरा खंभा आपके घर के बहुत पास नहीं, आपका घर मेरे खंभे के पास आ गया है, मेरा खंभा नहीं हटेगा, आपका घर तोड़वा दूंगा मैं। वो चुपचाप डर के अंदर चले गए। ये रियलिटी है और इसीलिए होता है कि तीन बच्चे पढ़ते पढ़ते उनकी मृत्यु हो जाती है। सारे राजनेताओं को और अरविंद केजरीवाल को जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जेल में बैठे, कान दिमाग सब खोल ले आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो साथ साथ सांसद लेके बैठी है दिल्ली से, जिम्मेदारी है आपकी, यू ओ इट टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री।